हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और मैं आपके सामने लेके आया हूँ दो ऑसम बाइक्स। एक है आपकी बजाज पल्सर की F250cc बाइक और दूसरी है आपकी FZ250। बहुत ही रेयर बाइक है यार, मैं पहली बार लाइफ में FZ250 चलाने वाला हूँ और मतलब आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये थोड़ा थोड़ा इसका ये जो काउल है या सॉरी इसका ये जो आपका विंड प्रोटेक्टर है और ये मतलब आपको कहीं ना कहीं से डोमिनार की याद दिलाएगा। थोड़ा सा लुक इसका डोमिनार जैसा मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, दूसरों को ना लगे। और पीछे से अगर आप देखोगे तो अभी अभी जो KTM ने हमारी वो एडवेंचर लॉन्च की है ना, ये कहीं ना कहीं एडवेंचर जैसा लग रहा है। तो थोड़ी सी मतलब ये पहली बार है तो मुझे किसी ना किसी गाड़ी की फील इसमें आ रही है। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, आपकी नेकर सेगमेंट की गाड़ी है बट थोड़ा सा एरोडायनामिक्स लुक देने की कोशिश की गई है इस गाड़ी को नेकेड में भी। और बाकी सारी चीज़ें प्रोटेक्टर वोटेक्टर लगा रखा है इन्होंने और ये विंड प्रोटेक्टर लगा रखा है तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बगल में बजाज के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ब्लॉग देखिएगा जिसमें मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है कि गाड़ी में क्या कमियाँ हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है। तो अविनाश भाई चलाने जा रहे हैं आपकी F250, मैं चलाने वाला हूँ आपकी FZ250। तो FZ25 एक्चुअली इसको बोलते हैं बट 250cc की गाड़ी है। पावर के मामले में थोड़ी सी अंडर पावर है यार, ये ज़्यादा पावर जनरेट करती है, कम पावर जनरेट करती है बट देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। भाई बहुत ही गंदा लिमिटर मारा है FZ ने, मुझे तो लगा मैंने ब्रेक मार दिया है। और ये देखिए आप, कहीं ना कहीं वो गाड़ी आगे जा रही है पल्सर की और FZ है आपकी पीछे। अभी यहाँ से बजाज आगे है थोड़ा सा क्या मतलब है। और भाई लास्ट गियर पे आ गई है ये और मैं भगा रहा हूँ, लिमिटर आ रहा है इसका। ओ भाई साहब बहुत गंदा लिमिटर मारती है, पूरा झटका लेती है ये गाड़ी यार। मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका लिमिटर ऐसा आएगा, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि गियर इसके फंस, मतलब जैसे गियर फंस जाए एकदम से ना, वैसा लगता है इसका लिमिटर आता है। तो भाई यार बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यामाहा से कि उन्होंने FZ 250 गाड़ी जो बनाई है, मतलब यार थोड़ा मतलब 250cc की गाड़ी है, नेकेड गाड़ी है यार, लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए यार। डोमिनार चला के देखो आप, अभी आपकी N250 आई है यार, ना इसमें वो वाला रिफाइनमेंट है ना वो वाली पावर है। तो अब मैं गाड़ी चेंज करने वाला हूँ, अब अविनाश भाई चलाएंगे FZ और मैं चलाऊँगा पल्सर। क्लियर विनर आपकी पल्सर रही है, नेकेड गाड़ी है तो इसको कहीं ना कहीं टॉप इन में तो नुकसान होगा ही क्योंकि काफ़ी विंड प्रेशर आ रहा है और इसमें आपकी हाफ फेयर्ड है जो काफ़ी अच्छी तरह मतलब विंड से आपको प्रोटेक्ट करती है। और यार कोई ख़ास उसका यार इनिशियल भी नहीं है तो अब चेंज कर लेते हैं। अब मैं चलाता हूँ पल्सर और अविनाश आपकी चलाएँगे FZ। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितनी इजली मैं निकल गया। ओ भाई साहब इसका 250cc, दोनों 250cc है FZ 250। देखिए एकदम मैं टो के चला रहा हूँ और भाई पीछे में मुझे दिख रही है गाड़ी पीछे होते हुए यार FZ की। मैंने बताया ना बहुत ही अंडर पावर गाड़ी है और टॉप इन भी काफ़ी कम है यार, तो कोई फ़ायदा है नहीं, मैं आगे निकलता ही जाऊँगा। देखिए मेरा लिमिटर आ रहा है बट उसके बाद भी वो गाड़ी मुझे काफ़ी पीछे दिख रही है शीशे में। कर देते हैं स्टॉप क्योंकि भाई किलोमीटरों में पीछे हो जाएगा तो क्या ही फायदा होगा गाड़ी चलाने का। और गाड़ी को रोकते हैं यहाँ पे। भाई ये देखो कट कट मार रही है भी, 120 पे जाके कट मार दे रही है यार।
मीटर एरर इसका बहुत है। कॉर्नर पे रोक दिया जाए ताकि जो बोलते हैं ना कि एंड का थोड़ा सा सीन शूट कर लिया जाए। तो भाई ये थी रेस, और भाई बहुत ही मतलब आज तक मैं लिटरली बोलूँगा इससे ख़राब लिमिटर मैंने किसी गाड़ी में फेस नहीं किया। बहुत ही बेकार लिमिटर आ रहा है, मतलब मैं बहुत, मुझे तो पहले लगा था कि हो सकता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर मतलब गियर फंस गया हो, लेकिन नहीं भाई वो लिमिटर था। फिर मैंने नोटिस किया कि नहीं हर गियर में वो लिमिटर मार रहा है। तो ये थी आपकी रेस, और ये भी 250 cc की गाड़ी है वो, बट उसका यार इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्ड है, इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील होती है। और जो लिमिटर है वो भी यार उतना ख़राब नहीं है उसका। तो ये सारी अभी तक उसको मैं बोलता था कि क्या गंदा लिमिटर मार रही है, क्या गंदा लिमिटर मार रही है, बट लिटरली इसके सामने उसका लिमिटर कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपकी रेस, पल्सर आपकी रही है क्लियर विनर। और चैनल को आप यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाल बटन दिख रहा है उसको कर दीजिए जल्दी से ग्रेप, बेल आइकन कर दीजिए आप प्रेस, और सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग कमेंट करता हूँ, दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।